अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आतिफ़ आसिम भट्ट और आज की वीडियो सी प्लस प्लस के डेटा टाइप्स के बारे में है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिएगा, आप इंशाल्लाह सी प्लस प्लस सीख जाएंगे। प्लेलिस्ट को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ओके? स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिएगा। तो आज की वीडियो है डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, जाकर देख ले, ताकि उनको कुछ डिस्टर्बेंस ना हो कि ये क्या आ रहा है, फिर वो क्या आ रहा है। तो जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो जाके देख लें। जिनके कंसेप्ट पक्के हैं वो बेशक ना देखें। डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस, तो डेटा टाइप्स की मैं बात करूँगा। सी प्लस प्लस में तो दो किस्म की डेटा टाइप्स पाई जाती हैं, एक सी प्लस प्लस में। आगे प्रैक्टिकली मैं करके परफॉर्म दिखाऊंगा, पहले पीपीटी में समझा देता हूँ आपको। टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होती हैं इन सी प्लस प्लस। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है बिल्ट इन डेटा टाइप और एक होती है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। आज का जो टॉपिक है वो है बिल्ट इन डेटा टाइप का। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के बारे में मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करेंगे या जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। यूजर, मैं आपको बता देता हूँ कि ये होता है कि बिल्ट इन डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होती हैं जो कि सी प्लस प्लस ने बनाई हैं हमारे लिए, ओके? जो बिल्ट इन है, जो पहले से बनी हुई हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वो होती है जो हम खुद बनाते हैं, कोडिंग करके खुद बनाते हैं। तो मैं आज के टॉपिक में आपको बिल्ट इन डेटा टाइप बताऊंगा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप नहीं बताऊंगा। वो हम तब बात करेंगे जब हम स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाऊंगा या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, ओके? बिल्ट इन डेटा टाइप्स ये हैं कुछ जो कि बिल्ट इन है, यानी कि सी प्लस प्लस ने बनाई हुई हैं। ओके, मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि एक ये डेटा टाइप है, शोर डेटा टाइप है, जिसमें हम इंटीजर स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि इंटीजर क्या होता है, जैसे कि 10 हो गया। एक इंट डेटा टाइप है, इसमें भी हम इंटीजर स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन 30। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में साइज का डिफरेंस है कि इसका साइज ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? 2 बाइट्स। और इसमें सिर्फ 2 बाइट्स तक डाटा स्टोर हो सकता है, और इसमें 4 बाइट्स तक, ठीक है? और यहाँ पे फ्लोट है तीसरी, जिसमें 4 बाइट्स होते हैं। ये 4 बाइट साइज है इनका, 4 बाइट्स इन डेटा टाइप्स का साइज है। इसके अंदर हम क्या स्टोर करवा सकते हैं? फ्लोटिंग वैल्यू, जैसे कि जो पॉइंट्स में वैल्यू होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, दिखाया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद आता है डबल, जो कि 8 बाइट्स का है। उसके अंदर भी हम फ्लोटिंग वैल्यू करवाते हैं, लेकिन ज़्यादा वाली, जैसे कि देखें, ज़्यादा फ्लोट के बाद ज़्यादा ज़्यादा से फ्लोटिंग पॉइंट्स, यानी कि जिसमें पॉइंट्स के बाद जितनी ये आ रही हैं, 1241412, सारा कुछ। उसके बाद लॉन्ग आता है, लॉन्ग भी इंटीजर स्टोर करवाता है, बट लॉन्ग में और शॉर्ट में डिफरेंस आपको नजर आ ही रहा होगा, 2 बाइट्स का और 4 बाइट्स का। और इंटीजर भी, ये इंट जो है वो भी इंट स्टोर करवाता है। उसके बाद करेक्टर आता है, करेक्टर 1 बाइट का होता है, जिसमें सिर्फ करेक्टर आता है। करेक्टर का मतलब सिर्फ करेक्टर, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, सिर्फ करेक्टर आता है। उसके बाद आता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होता है 8 बाइट्स का, जिसमें स्ट्रिंग आती है पूरी, जैसे कि दिस इज सी प्रोग्रामिंग, ये पूरी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग और करेक्टर में डिफरेंस अगर मैं आपको बताऊँ तो वही है, करेक्टर सिर्फ एक होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये बी करेक्टर है, यू करेक्टर है और आई करेक्टर है, ओके? लेकिन बट इसी का एग्जाम्पल लेके अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूँ तो ये पूरी एक स्ट्रिंग है। सिंपल वर्ड्स में भी समझ लें, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स जो होते हैं वो स्ट्रिंग होती है, ओके? अब मैं आपको बता देता हूँ कि यूज़ ज़्यादा कौन कौन सी होती है, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कौन कौन सी ज़्यादा यूज़ होती है। एक इंट यूज़ होती है, एक फ्लोट यूज़ होती है, एक डबल यूज़ होती है, एक कैर यूज़ होती है और एक स्ट्रिंग यूज़ होती है। ये यूज़ होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये यूज़ नहीं होती, ये भी यूज़ होती हैं, बट इनके मुकाबले कम यूज़ होती हैं, ओके? अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, ओके? प्रैक्टिकल में मैंने पूरा प्रोग्राम लिख के रखा है। पहले मैं आपको प्रोग्राम समझा देता हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगा कि ये सारा रन कर रहा है। मैंने एक, अच्छा, अगर आपको आइडेंटिफायर का कंसेप्ट नहीं है तो परेशान नहीं होना, वो भी मैं वीडियो कुछ मैं वो वीडियो भी आपको अपलोड कर दूंगा आइडेंटिफायर्स के बारे में। लेकिन हमारा आज का कंसेप्ट सिर्फ डाटा टाइप्स के बारे में है। तो ये मैंने डाटा टाइप एक लिखी है, इंट इंट डाटा टाइप। ऐसा एक बात का आपने ख्याल रखना है कि इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, करेक्टर, क्रैक, कैर और शॉर्ट सारे लोअर केस में आएंगे, अपर केस में कुछ भी नहीं आएगा, अदरवाइज एरर आ जाएगा। इंट लिए मैंने एक, ओके? स्ट्रिंग लिए मैंने डाटा टाइप एक, एक फ्लोट ली है, एक डबल ली है, एक लॉन्ग ली है, एक कैर ली है और एक शॉर्ट ली है। और यहाँ मैंने सारों को सी आउट करवा दिया। एक फंक्शन है साइज ऑफ, जो कि बताता है साइज,
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर इतना साइज होता है 8 बाइट का, 4 बाइट का, 2 बाइट्स का, 4 बाइट्स का, तो मैंने सारा कुछ बताया था। तो साइज ऑफ एक ऐसा फंक्शन है जो कि साइज बताता है आपके डेटा टाइप का, सही। अब अगर मैं इसे रन कंपाइल करवा के रन करवाऊँ, डायरेक्ट यहाँ से जाके कंपाइल एंड रन करवाऊँ, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि शॉर्ट जो है वो 2 बाइट का, इंटीजर जो है 4 बाइट का, फ्लोट जो है वो भी 4 बाइट का, डबल जो है वो 8 बाइट का, कैर जो है वो 1 बाइट का, 8 बाइट्स का है, और लॉन्ग जो है वो 4 बाइट्स का, और स्ट्रिंग जो है वो 8 बाइट्स का है। तो ये कंसेप्ट है डाटा टाइप्स का। अब शायद आप सोचें कि क्या डाटा टाइप्स कहाँ यूज़ होंगी, किस तरह होगा, तो थोड़ा सा इत्मीनान रखिए और मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहें। आपको मैं एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि इंट ए लिखा हुआ है, सिर्फ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, अगर समझ ना आए तो आगे मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहना है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मैं कर दूंगा सी आउट, यहाँ पे ब्यूटी के लिए लिख देता हूँ ए इज, और सी आउट वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, सी आउट कंसेप्ट अलग है, तो मैं इसके बारे में डिटेल से बात नहीं करूँगा। तो अब आपको इसका यूज़ समझ आया कि क्यों यूज़ हुआ, कि इंट वाली डेटा टाइप थी, उस डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, इस डेटा की टाइप कौन सी होगी, वो हमें यहाँ पे पहले डिक्लेयर करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी कि इस डेटा की टाइप कौन सी है। तो मैंने इस डेटा की टाइप लिखी कि इंट, यानी कि इसके ए के अंदर जो भी डेटा स्टोर होगा वो इंटीजर टाइप का होगा। ओके, तो अब इसे अगर मैं रन करवा कंपाइल रन करवाऊँ तो मुझे ये जो है 10 मिल रहा है, सही है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, कंट्रोल एक्स करूँगा और यहाँ पे फ्लोट की एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ बी, क्योंकि फ्लोट के लिए हमने बी लिखा हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पे बी लिखा, तो यहाँ पे इस तरह कर देता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ बी इज, और यहाँ पे बी, और यहाँ पे एंडिल। अब आपको समझ आ रही होगी कि ये क्या चीज़ है, कि इस ये डाटा इसकी टाइप कौन सी है, फ्लोट, तो मैंने इसलिए यहाँ पे फ्लोट लिखा है। मैं चाह रहा हूँ कि हाँ मुझे एक बॉक्स मिल जाए जिसके अंदर मैं अपना सारा डाटा, इस डाटा स्टोर कर सकूँ, लेकिन वो बॉक्स में मैं डाटा किस टाइप का स्टोर करना चाहता हूँ, फ्लोटिंग पॉइंट वाला, तो मैंने यहाँ पे इसलिए फ्लोट लिखा। और मैं इसको अगर रन करवाऊँगा तो मुझे ये फ्लोटिंग में 10.12 मिल रहा है। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो थोड़ा सा इत्मीनान रखिएगा, अगली वीडियोस में मुझे उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा, अभी तो मैंने आपको सिर्फ डाटा टाइप ही बताया। तो आज की वीडियो में इतना था, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।